छपरा में एक अजीबोगरीब दास्तां देखने को मिला। मौका था छपरा में विजयदशमी के झंडा जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। महावत द्वारा हाथी के पीठ पर बच्चों को बिठाने के बाद वह भिदक गया। वह सड़क पर इधर उधर भागने लगा और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने लगा। इस वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि थानेदार समेत कई लोग घायल हो गए। यह मामला सारण जिले के एकमा का है। विजयदशमी के झंडा जुलूस में शामिल एक हाथी अचानक भिदक गया और उसने एक ई रिक्शा और दो कार क्षतिग्रस्त कर दिए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एकमा थाना अध्यक्ष उदय कुमार भी घायल हो गए, जबकि लुभावना यादव एक किसान की गर्दन मरोड़ दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पीठ पर बैठे महावत और दो बच्चों को लेकर वह काफी देर तक तांडव करता रहा। हाथी के तांडव ने गजब ही तांडव किया, जिस वजह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखिए ये रिपोर्ट। चलो ठीक बा। और इस साल आ रही ना मैं आदमी के हुई है। वाह नहीं के भाई यार। अब ये ना चली। घुमा रे भाई घुमा ले जो रे वो सब पकड़ दे बॉस के। बॉस के। बॉस के। हटा लो ना तो घूमी तो चल दिला फिर हाथी जाकर जाम बगीचा में जाकर पटक देखे और फील्ड में जुलूस में आयल रखे जी। एक माँ भूली भूल बा भूल जी मैंने कहे के मतलब एक माँ से हाथी सनकल बिया हाथी रिटर्न हो गल बिया जाकर चावल पर घुस के जाके एक बार फील्ड में चिमनी को लगे मार दिले बिया। मेरा दो गाड़ी चला।